दिसंबर के आखिरी दो दिनों में 9 बच्चों की मौत, एक महीने में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत और पूरे साल में लगभग 1000 बच्चों की मौत, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसको लेकर हम सवाल जवाब कर रहे हैं, सही तथ्य निकल कर सामने आए इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आरपी सिंह जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा, क्या कह रहे थे ब्रेक से पहले, अपनी बात पूरी रखिए। देखिए, इस पर एक इसलिए राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए। सरकार आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके जो लोग सत्ता में हैं, आज उनके पास मौका है, वो एक बेहतर व्यवस्था डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए, गांव में आप जाइए तो पीएचसी सीएससी पर डॉक्टर नहीं है, चार दवाई हैं, वो बुखार से लेकर कैंसर तक वही काम करती हैं। तो इस पर एक विस्तृत विचार विमर्श होना चाहिए और राष्ट्रीय बहस होना चाहिए। लेकिन सरकार असली मुद्दों पर बात ना हो, इसके लिए रोज तमाम तरीके की बातें होती हैं, तमाम तरीके के जुमले उछाले जाते हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य इसलिए गंभीर विषय हैं कि आप देखिए, 90% लोग उस अच्छी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था से वंचित हैं जिसकी अपेक्षा एक सभ्य समाज में की जाती है। तो मेरे ख्याल से इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी तंज नहीं कसना चाहिए। जो लोग सत्ता में हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि आज उनके पास एक मौका है, वो एक व्यवस्था दे सकते हैं। दे आने वाले दिनों में जनता उनको याद करेगी कि इन्होंने एक अच्छी व्यवस्था दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, सीतापुर में पिछले साल 65 लोग मर जाते हैं बुखार से, और तत्कालीन जिलाधिकारी शीतल वर्मा उस क्षेत्र का विजिट तक नहीं करती हैं। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था का आलम यह है कि सरकारें विजिट करने से सही हो जाता, गोरखपुर में मौतें होती हैं, बनारस विजिट में करने से सब कुछ सही हो जाएगा क्या? नहीं, जब देखिए, जो अब व्यवस्था तो यही है, जब लोग जाएंगे तभी तो इंतजाम होगा, मॉनिटरिंग, जहां मॉनिटरिंग, अगर शिथिल पुनरीक्षण है किसी अधिकारी का, मैंने सबको पत्र लिखा। नहीं, नेताजी क्या करने जाएंगे वहां पर? नेताजी का कौन सा काम है? नेताजी का काम अधिकारियों का काम है, अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए नेता। हाँ, सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। नेता नियम बनाने के लिए, व्यवस्था देने के लिए है। तो अभी तक नेताजी सो रहे थे क्या? लागू अभी तक नेताजी क्या कर रहे थे? यही तो बात हो रही है, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं। ये उन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो सत्ता में है, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। आप इसको पार्टी की नजर से क्यों देखते हैं? मौत कहीं हो, किसी की हो, उस पर किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए। अभी अभी सरकार चेंज हुई है वहां पर, लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर आपकी ही सरकार थी, तो ऐसे में जो आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमारी समाजवादी पार्टी जो हमको देकर गई है, हम उसी चीज को सही कर रहे हैं, तो जो आप देकर गए हैं वो अब सही कर रहे हैं, वो भी आरोप लगा सकते हैं जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में लगाते हैं, बड़ा आसान है उनके लिए। तो नहीं, बात सर यहाँ आरोप प्रत्यारोप की नहीं, यही तो हो रहा है। आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी विजिट किया था पिछले दिनों, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात का कोटा के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के एक पूरा रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 50-60% जो उपकरण हैं उनका कोई रख रखाव नहीं है, और कुछ तो ऐसे उपकरण है कि मात्र 2-4 रुपए के वायर खराब होने, वायर शॉर्ट होने की वजह से उपकरण नहीं चल रहे हैं और जंग खा रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के बाद जो वहां के जो हेल्थ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर हैं स्टेट के, उन्होंने सारे प्रिंसिपल और हॉस्पिटल के अधीक्षक को बाकायदा पत्र लिखा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे ही जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले पत्र लिखा था कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के हॉस्पिटलों की दशा खराब है, इस पर आप ध्यान दीजिए। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने पुनः स्मरण पत्र दिया है। तो दिक्कत इस बात की है कि बात यहाँ आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, लेकिन जान सबकी कीमती, मतलब है। एक जनप्रतिनिधि अगर अपनी समस्याओं को लिखता है तो सरकारें नहीं मानती, आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, कांग्रेस की सरकार नहीं मान रही है। नहीं, आपके मान रही है? हमारी तो मानती है। नहीं, आज, तो आपको आज लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वो सब सही ढंग से चल रहे हैं? इस बात को आप कहिए और फिर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा जहां पर हालात बद से बदतर है। सर, बात बद से बदतर, जैसे अभी सिविल हॉस्पिटल की चर्चा हुई, आज के 5 साल पहले सिविल हॉस्पिटल में जो सुविधाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं, आप हॉस्पिटल का एक नजर दौड़ाइए, आज के 5 साल पीछे आप जाइए, और उसी सिविल हॉस्पिटल में 5 साल पहले की ओपीडी की क्या पोजीशन थी, 5 साल पहले जनरल वार्ड की क्या पोजीशन थी, 5 साल पहले वहां की इमरजेंसी की क्या पोजीशन थी। तो मैं कह रहा हूं कि 2.5 साल में, क्योंकि योगी जी की सरकार को 2.5 साल हो गए हैं लगभग लगभग, योगी जी की सरकार में सब कुछ तंदुरुस्त चल रहा है, इस बात की आप बात कर रहे हैं, फिर मैं अनुपम जी इसको जमीनी स्तर पे जाके देखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे एग्जांपल, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बहुत पहले से आती रही है। मेरा कहना कि एकदम देखिए, लेकिन आज जब देखेंगे
तो उसका समीक्षा, तुलनात्मक समीक्षा तब होगी कि पीछे हम किस स्टेटस पे थे, आज किस स्टेटस पे। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर आपकी सरकार थी, 5 साल में आपने हालात सुधार दिए होते तो ये आज स्थिति थोड़ी ना होती, क्योंकि ये आज तो मौतों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, दो दिन के अंदर चीजें खराब तो हो नहीं गई। ये जो बात आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं वो राजस्थान में क्यों नहीं कह सकते, अगर राजनीतिक तौर पे कह रहे हैं? नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में जो कह रहे हैं, राजस्थान में भी वो चीज कह रहे हैं, ये पूरे देश के लिए है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना शुरू हुई। ठीक है, गोपाल जी कुछ कह रहे हैं। एक एक से सर 20 सेकंड। जी जी जी। और इसी को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने एम्स की संख्या बढ़ाने का काम किया, इसी को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ भी अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी पहली बार अटल जी के नाम पर योगी जी ने निर्णय लिया कि केवल हम इसके लिए मतलब मेडिकल कॉलेज चलाएंगे और इस पर हम ध्यान देंगे। चिकित्सा पर पहली बार किसी सरकार ने ध्यान दिया है, जो नीचे के व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा पहुंचे और निःशुल्क चिकित्सा पहुंचे। वो एम्बुलेंस के बारे में भी बता दीजिए, रोज एम्बुलेंस चालक हड़ताल करते हैं। भाजपा के अपने मित्र से एक उदाहरण देना चाहूंगा। सेवता विधानसभा है सीतापुर में, वहाँ एक गांव है हलीम नगर जहाँ चिकित्सालय है। 2011 से लगातार, मैं मूल तो वहीं का रहने वाला था, बाद में गाजीपुर बस गया, तो 2011 से वहाँ अस्पताल एक दिन भाई साहब नहीं खुलता है। अभी वहाँ के सीएमओ साहब सक्सेना जी थे, एक जमीन के लेन देन में मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा कि आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, आप लोग तो पैसा, वहाँ के लोगों का आरोप ही है कि जितने जनप्रतिनिधि अब तक आए 2011 के बाद, वो वहाँ के चिकित्सक, ANM और पैरामेडिकल स्टाफ से बंधी बधाई रकम लेते हैं इसका विरोध न करने का। मैंने एक दो बार वहाँ प्रधान मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने कहा भैया इसको कराइए, मैंने एक दो बार आवाज़ उठाया, ANM वगैरह लगी कि इनके बच्चे को इस केस में फंसा देंगे उसके केस में, तो लड़का LLM टॉप कर रहा है, मैं उसके भविष्य को देखता कि इस लड़ाई को लड़ता, नहीं बोल पाया। अभी भी मैं इस चैनल के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक कहता हूं अपने भाजपा के मित्र से कि कल मेरे साथ चल के देख लें कि 2011 के बाद हलीम नगर का अस्पताल एक दिन खुला हो तो बताएं। संजय जी बताइए। नहीं, मैं तो नहीं मान सकता इस बात को कि नहीं, मैं तो दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ साथ चलिए, मान सकते ना, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से, एक आपकी मजबूरी भी है। नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है सर, उसके लिए हम वहाँ चलेंगे, जो आप बताए हैं अगर ऐसा होगा तो वहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हलीम नगर आप और कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि कहीं कोई कमी है तो कमी लोकल, देखिए स्थानीय प्रशासन कितना संवेदनशील है। यही तो बात है, आपने स्थानीय को छोड़ा नहीं। एक सेकंड, आपने स्थानीय को छोड़ा ही कहा, कोई भी सड़क खराब होती है हम योगी जी को कहने लगते हैं, वहां के विधायक, वहां के सांसद उनको जिम्मेदार ठहराते ही नहीं है। ये व्यवस्था तो आप ही ने शुरू की है, वहां पर आप कहां कह रहे हैं, सीधे अशोक गहलोत जी को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। वहाँ कहिए ना कि जो लोकल प्रशासन है, वहाँ के सांसद, विधायक क्या कर रहे थे वहाँ पर, सर, सर, जो अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे वहाँ पर। मैंने आपसे यही कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पत्र के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप के जाके वहाँ सर्वे करने के बाद कुछ नहीं होता है, और जब स्टेट का हेल्थ डायरेक्टर पत्र लिख रहा है और पत्र लिखने के बाद अगर हॉस्पिटल का अधीक्षक या मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल कोई बात नहीं सुन रहा है तो इसके लिए तो संज्ञान लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री को या विभागीय मंत्री को, कैसे नहीं सुन रहा है। और जहां तक आपने सीतापुर की बात किया, ज्ञान तिवारी इस समय सीतापुर में सेवता से विधायक हमारे मित्र हैं, और मैं आपसे बताऊं कि ज्ञान तिवारी स्वयं संवेदनशील है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक समय देने वाले विधायक जो अपने क्षेत्र में समय देते हैं उसमें ज्ञान तिवारी एक है, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि इस प्रकार का है। अगर है शुक्ला जी, ज्ञान जी मेरे मित्र हैं, ठीक है सर। संजय शुक्ला जी एक बात बताइए कि एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी कि प्राइवेट में इलाज कराना 7 गुना महंगा है और सरकारी में इलाज कराना 7 गुना सस्ता है उसी हिसाब से, तो सरकारी अस्पतालों का क्या वो हाल है जहां हम जाके इलाज करवा सकते हैं? क्या आज की डेट में आप ये दावा कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं यहाँ पे एक पत्रकार की हैसियत से बैठा हूँ और चीज़ें उसी हिसाब से देखता हूँ, और फिर आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी वो सही ढंग से चल रहे हैं, लोग प्राइवेट की तरफ नहीं भाग रहे हैं, क्या आप ये वादा कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए है क्या कि एक जो है ढांचा, व्यवस्थागत ढांचा बना हुआ है, और जहाँ सरकारी हॉस्पिटल को लगातार जब से योगी जी की सरकार बनी है, और गोरखपुर का एक मतलब उदाहरण है, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई सामूहिक
मतलब ये जो घटना हुई है जैसे राजस्थान में, इसके पहले गोरखपुर का हर साल का नियम था कि बरसात के बाद 150, 200, 300 बच्चों की डेथ होती थी बिहार में। तो बिहार में क्या हुआ, जानकारी का अभाव है। सुनिए, सीतापुर, बहराइच, बदायूं, पीलीभीत, हर जगह तो बुखार से मौतें हुई हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। संजय जी, बिहार के अंदर क्या हुआ था? नहीं, बिहार के अंदर आपने कुछ बोला था क्या? नहीं, क्यों नहीं बोला था सर? नहीं, कहां बोला था, मुझे अगर बोला होता तो तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई होती। वहां पर तो जब सीएम चले गए उसके बाद भी हाल खराब था। नहीं देखिए, जब किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, तो मेरा ये कहना है कि अगर केंद्र सरकार का काम है संसाधन उपलब्ध कराना, स्टेट गवर्नमेंट जो उसकी डिमांड करती है उसके हिसाब से बजट मुहैया कराना, और केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बजट कई गुना बढ़ाया है। जो कितने गुना बढ़ाया है, कितने गुना बढ़ाया है आप बताइए, पिछले आंकड़ा बताइए ना। शिक्षा और चिकित्सा में ही तो कटौती, पिछले बार आप बताओ कितना, शिक्षा और चिकित्सा में ही तो कटौती है। एपी ओझा जी, एपी ओझा जी, मुझे एक बात हजम नहीं हुई, कटौती, ठीक है ठीक है। एपी ओझा जी, मुझे एक बात हजम नहीं हुई कि जो आईटी सेल के जो मेन हेड है अमित मालवीय जी, वो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब वहां जाए। वहां क्या पिकनिक चल रही है, वहां क्यों जाए, क्या मतलब है उनका जाने का? जाए या ना जाए वो तो अलग बात है, लेकिन उस पर कम से कम उनको एक वक्तव्य जरूर देना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी है, जिस दल की सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। संवेदन जिम्मेदारी विपक्ष की बता होती है, हम संवेदन है इस मामले को। और वैसे एक चीज ये आपको बता दूं कि अभी आपने एक सवाल किया जाने से क्या होता है, हम आपको बता दें कि जिस क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर दौरा कर लेते हैं उस क्षेत्र की सफाई और सड़कें 12 घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है। तो कम से कम अगर ये वहां चले जाते तो हॉस्पिटल में जो सुअर घूम रहे हैं वो ना घूम रहे होते, वो बाड़े में चले जाते। नहीं सर, मेरा कहने का ये मतलब है कि अब क्या, पहले से जाते रहते वहां पे उसका रिव्यू होता रहता तो चीजें इतनी खराब नहीं होती। हमने आपको पहले अपने बताया था कि ये आज की स्थिति नहीं है। सही बात, सरकारें चाहे जिसकी रही हो कार्य प्रणाली एक ही है, किसी भी सरकार के चाल चरित्र चेहरे में 1% से ज्यादा का फर्क नहीं होता। और जहां तक इसकी बात है कि सबसे पहले अगर इस देश के नेता संवेदनशील हैं, उनके अंदर जरा सी भी मानवता है, तो इस देश के अंदर सिर्फ एक कानून बनाने की जरूरत है और वो है जवाबदेही कानून। सही बात, एक कानून अगर जवाबदेही कानून बन जाए और जब जिस समय चार्ज एक ओवर हैंड ओवर होता है, जैसे बैलेंस शीट के साथ होना चाहिए कि आज हम प्रदेश की स्थिति में क्या दे रहे हैं आपको, तब ये स्थितियों में सुधार हो सकता है, वरना इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि आप अब इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा एपी ओझा जी, एक चीज को मानेंगे कि राजनीतिक तौर पे जब बयानबाजी शुरू हो जाती है उसके बाद जो निचले तबके के लोग, अगर ज्यादा बयानबाजी होने लगती है तो निचले तबके के लोग जो है उन पे कार्रवाई हो जाती है, मामला सेटल हो जाता है, उसके बाद जो है फिर से वैसी ही तस्वीर बनती है, लेकिन उस चीज पर ज्यादा हम इसलिए ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास और भी मुद्दे आ जाते हैं। नहीं देखिए, सवाल तो यह है ना कि हमारी पार्टी अलग है। आज हम एम्स की बात करते हैं, हम एम्स की बात क्यों करते हैं, एम्स लोगों को आना क्यों पड़ता है? अगर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार दी जाएं, अगर वहां पे डायरिया और बुखार का इलाज हो जाए तो शायद 90% केसेस वहीं सॉल्व हो जाएंगे। सही बात, सारी चीजें इसलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आती है या एम्स की नौबत आती है, पीजीआई की नौबत आती है, कि वहां पे बुखार जब बिगड़ जाता है तब उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आना पड़ता है। तो अगर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा हमारे यहाँ की अच्छी हो जाए तो हमें किसी एम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स 10% लोगों के लिए है, 90% लोगों के लिए वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिनकी हालत बदतर है, जिनमें आज एक पैरासिटामोल की टिका भी नहीं मिलती। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात है। अनिल त्रिपाठी जी, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि जो निचले तबके के अस्पताल हैं उनकी हालत अगर सुधार दें तो ऊपर जाने की जरूरत ही ना पड़े, वहां पे जो लोगों की भीड़ होती है उसकी जरूरत ना पड़े और चीजें कहीं ना कहीं सही तरीके से चलती रहे स्वास्थ्य के मामले में। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जब बजट एलोकेट होता है तो सबसे आखिरी में बात जो है चिकित्सा की होती है, शिक्षा की होती है, जिसकी जिससे जो है सबसे ज्यादा आम इंसान जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोग निरंतर इस पर बात करते हैं कि हर देश अपने नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा, इसके बाद कानून व्यवस्था पर बात करना है। लेकिन हमारी सरकारें क्या करती हैं, तत्कालिक मुद्दों को उभारती हैं और जनता के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में तो आ जाती हैं। और सत्ता चूंकि हमारे यहाँ 5 बरस के लिए है तो इनका राजनैतिक खेल 5 बरस, फिर 5 बरस, फिर तेरा, फिर मेरा, और व्यवस्थाएं ज्यों का त्यों बनी रह जाती हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले टाइम
कि कैसे एमबीबीएस डॉक्टर तैयार हों, डॉक्टरों की सीटें बढ़ाई गई, आपने कितना बढ़ाया, कितने डॉक्टर तैयार किए, कितनी नर्सें तैयार की, और जो बच्चा बाहर से एमबीबीएस करके आएगा वो आपके गांव में क्यों रहेगा, वहां उसके पास वो व्यवस्था नहीं है। आपने कह दिया कि हमने आयुष्मान दे दिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। काम चलेगा जमीन पर काम करने से, जमीन पर लोग मौजूद होंगे तब काम चलेगा। और ये जो कह रहे हैं कि हमारे संवेदनशील विधायक मंत्री, हम तो ये मानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इस तरीके के मामले में एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। जहां कोई कमी रह गई हो उस कमी को एक दूसरे का सहयोग करके कि इस कमी को इस तरीके से पूरा किया जा सकता है पूरा करें। लेकिन ये सुझाव नहीं, आरोप, सुझाव कोई नहीं देता है, आरोप लगाने पे आरोप लगा करके ये उस ज्वलंत मुद्दे को समाप्त कर देना चाहते हैं। मौका परस्ती है, ये साफ तौर पे मौका परस्ती है कि आप उसी से कैसे दूसरे को नीचा कर सको, अपने आप को उभार सको कि हम आते सत्ता में तो ये हालत नहीं होती, लेकिन अपने अपनी जगह की बात नहीं करेंगे। जहां पे खुद की सत्ता है वहां पे बात नहीं करते हैं। आरपी सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आत्महत्या एक गुनाह है, तो ये जो बच्चे मर रहे हैं जिनका कोई गुनाह नहीं है, इनका कोई गुनहगार है कि नहीं है? हाँ, ये तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि देखिए, प्रचंड बहुमत की सरकार है देश में, इस समय एक कानून बनाना चाहिए और बयानों से बचकर के सोचना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे हो। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा दोनों बिल्कुल बदहाल हो गई। चिकित्सा व्यवस्था का आलम यह है कि जो एम्बुलेंस है जो गांव से मरीज को अस्पताल तक पहुंचाती है, रोज एम्बुलेंस वाले हड़ताल करते हैं, ड्राइवर हड़ताल करते हैं, उसके जो ऑपरेटर हैं वो हड़ताल करते हैं, और सरकार इतनी संवेदनहीन है कि उसका कोई समाधान एक बार में नहीं कर पा रही। किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये तय नहीं, ये पहली बार हो रहा। वो एम्बुलेंस जो रास्ते में खड़ी हो जाती है हड़ताल के कारण, उस बीमार आदमी की आप कल्पना करके सोचिए, उस गरीब की जो व्यवस्था नहीं कर सकता है निजी तौर पर, तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, आरपी सिंह जी, क्या सिर्फ हम योगी जी को कहते रहे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं? हम किसी योगी जी को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हम तो कह रहे हैं को टारगेट क्यों नहीं किया जाता है, वो जो असल में उस चीज के लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। ये क्या हमारी थोड़ी कम पढ़ी लिखी सामाजिक सोच है कि हम उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाते हैं जो असल में जिम्मेदार है? हम योगी जी को कह दिया मतलब हमने सब कुछ बहुत बहुत काम कर दिया, अपना विरोध दर्ज करा दिया। देखिए, सरकार का एक काम है कि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक रहे, उनके अधिकारी कर्मचारी ठीक रहे, ये कौन करेगा? हम आप तो नहीं कर सकते, गांव का किसान जाकर के कार्रवाई थोड़े करेगा। हम कह तो रहे हैं कि सीतापुर में 65 लोग मरे बुखार से, तत्कालीन जिलाधिकारी ने शीतल वर्मा ने उन गांवों की ओर जाना नहीं उचित समझा, मुख्यमंत्री मंत्री को तो आप छोड़िए, तो कौन जवाब दे? सीएमओ ने जब वहां 35 लोग मरे तब जाकर के एक कैंप खुलवाया गुंदलामो, जो वो है नटवल ग्रंट गांव है गुंदलामो क्षेत्र का सीतापुर में। तो आप देखिए कि आज भी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो उस दिशा में बात नहीं कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, और हमारे आपके बात करने से कुछ होना भी नहीं है। सही बात तो यह है कि जो लोग सत्ता में हैं उनके पास इसी से सबक सीख लें, क्या भूमिका है इसी से सबक सीख लें। विपक्ष की कोई भूमिका है कि नहीं? विपक्ष की बिल्कुल भूमिका है, विपक्ष तो काम कर रहा है अपना। देखिए, बयान हम जो बात करें, आप बयानबाजी किसी समस्या का समाधान नहीं है। जो लोग सरकार में है समस्या का समाधान देना उनकी जिम्मेदारी है, और घटनाएं हो चाहे गोरखपुर की हो, चाहे सीतापुर की हो, चाहे कोटा की हो, मौत कहीं की कहीं हो, किसी की हो, वो दुखद होती है और सबको दुख होना भी चाहिए। संवैधानिक तौर पर हम लोक कल्याणकारी राज्य हैं, तो ये कैसा लोक कल्याणकारी राज्य है जो 90% लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, 10% लोगों के लिए अलग व्यवस्था है? इसी असमानता की जड़ आप देखिए, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन मतलब वो आम कार्यकर्ता नहीं, ये पॉलिटिशियन मतलब जो लोग हैं निर्वाचित हुए हैं, जो लोग पदों पर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट का अपना एक अलग काकस है, इन लोगों को कोई असुविधा नहीं होती, उनके लिए अलग से स्कूल है, अलग से अस्पताल है। उस 90% के लिए हम आप बात करते हैं, लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता है। सरकारें आई गई और जो लोग हैं इनको भी, ये तो प्रचंड बहुमत की सरकार है। बड़ा सवाल यही है कि जो नेता है जिस दिन वो पहुंच जाएंगे अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए या फिर खुद का इलाज करवाने के लिए, उस दिन वो व्यवस्थाएं भी देखेंगे, और क्योंकि उनके पास पावर है तो वो चीज सुधर भी जाएंगी। लेकिन जब
ये चली जाएगी और एक दिन ये विनाश की तरफ लेके जाएगी हम लोगों को, ये सबको पता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कोई राजनीतिक तौर पे। संजय जी, ऐसा सर ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि जो प्रदेश की सरकार है दोहरी व्यवस्था बना के चल रही, और अभी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है अभी योगी जी की सरकार ने कि जितने नीचे के अस्पताल है वहां भी हम जांच की सुविधाएं सबको उपलब्ध कराएं। दूसरी चीज, सरकार खुद नहीं जाएंगे, नहीं खुद जाते हैं सर, ऐसा नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, मैं आपसे बताऊं जो और प्राथमिक सेंटर है, दिक्कत वहां आती है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर कोई जाता है मरीज दिखाने जाता है तो वहां से अगर उसको जांच कराना है तो जिला केंद्र पर जाना पड़ता है, या तो जिला चिकित्सालय जाए तो प्राइवेट जांच के वहां जाए, तो इसलिए उसको जिला केंद्र में जाना पड़ता है। अच्छा, एक बात सर, पर योगी सरकार ने जो नए डॉक्टर निकल रहे हैं उनको 4 साल ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करना अनिवार्य कर दिया है, उनको जाना ही पड़ेगा। जो सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी आप किसी ने यहाँ बात आई थी में बड़े स्थान पर डॉक्टर जो बन के आते हैं बाहर से पढ़ाई करके आते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाए। अच्छा, मेरी बात, प्रदेश सरकार ने निर्णय ले लिया कि आपको 4 साल गांव में सेवा करना कंपलसरी है, तो जाना ही पड़ेगा। एक सेकंड, आपकी बात हो, क्योंकि अरुण जेटली जी अब है नहीं, वो भी इलाज कराने के लिए बाहर जाते थे, अभी कुछ दिन पहले जो अमित शाह जी को डेंगू हो गया था वो भी बाहर इलाज कराया जाके, केजरीवाल जी को खांसी का इलाज कराना था वो भी बाहर जाके करा लेते हैं इलाज, तो फिर जब ये सब बाहरी इलाज करा लेंगे तो फिर यहाँ पे इलाज किस तरह से होगा? अपने देश में क्या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है कि यहीं पर इलाज हो जाए? नेताओं का भी संजय जी, गोपाल जी ने बहुत शुक्रिया। 2 दिन में 9 बच्चों की मौत हो जाती है, 1 महीने में 100 बच्चों की मौत हो जाती है, और यहाँ 1 साल में 1000 बच्चों तक पहुंच जाता है, लेकिन सियासत हम करते रहते हैं, सियासी जो बयानबाजी है उसमें कोई कमी नहीं आती, हमको किस तरह से इस मामले का प्रॉफिट मिल जाए, ये हर कोई सोच रहा है, वो वहां की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में राजस्थान के अंदर बैठी है, हर कोई चाह रहा है कि इस मामले को लेकर हम दूसरी पार्टी को नीचा दिखा दे किसी भी तरीके से और उसका राजनीतिक फायदा उठा ले, लेकिन इन सारी चीजों से मुझे नहीं लगता किसी को फायदा होने वाला है। जब तक आम जनता इस कठिनाई से जूझती रहेगी तब तक कहीं ना कहीं इन सारे मामलों में सुधार आने वाला नहीं है, ये बात सभी को सोचनी और समझ जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।